हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग केमिस्ट्री का आंसर के डिस्कस करेंगे, जो कि कल का पेपर हुआ है प्रयोगशाला का। मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स और कंप्यूटर जीके पर ऑलरेडी बना चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सीजी प्रयोगशाला की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसके आंसर की को। तो चलिए, केमिस्ट्री का आप लोग को अगर देखना है और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा कट ऑफ पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का कहना है कि 100 से 110 कट ऑफ नहीं जाएगा, बट मैं बताऊँगा कि क्या कारण है कि 90 टू 110 तक का कट ऑफ का कारण क्या है, इतनी सारी वैकेंसीज है। तो दोस्तों चलिए, अभी फिलहाल इस केमिस्ट्री का हम लोग प्रयोगशाला का है ना आंसर के को डिस्कस करते हैं। तो मेरा सेट डी था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22.39 बी, ठीक है। आप लोग अपने से मिलाइएगा एक एक करके। 42nd का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, A2 B6। 43rd का ऑप्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत, मतलब इसमें ऑप्शन गलत था मेरा, 158 आ रहा था कैलकुलेशन में, ठीक है दोस्तों। 44 का देखते हैं, 44 का आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिपिटेशन और क्षेपण द्वारा। 45 का आंसर हो जाएगा सी, टू डिक्रीज डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, NH4OH के वियोजन को कम करना। 46 का आंसर हो जाएगा ए, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा कास्ट आयरन। 47 का आंसर हो जाएगा डी, आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट का कोवेलेंट बॉन्ड। 48 का ऑप्शन हो जाएगा डी, As3+ एंड PO4-3-। 49 का ऑप्शन हो जाएगा बी, एनेस्थेटिक, ठीक है, 49 हो गया। 50 का आंसर हो जाएगा बी, C4H8O2। इससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूंगा, मेरे चैनल में आप लोग को रेलवे से रिलेटेड पूरे अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रुप डी, NTPC है ना, और ALP टेक्नीशियन, लोको पायलट, ये सारे की रेलवे के रिलेटेड पूरे अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप और नॉलेज भी मिलेंगे। NTPC से रिलेटेड मैं आप लोग को वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैथ्स वीडियोज़ बनाऊँ, GK का भी बनाऊँ, ठीक है। और 50 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C4H8O2। 51 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 382। आप लोग का सेट दूसरा होगा, बस क्वेश्चन बस अलग अलग है, क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो अलग है, बाकी आप लोग का क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी, HF में। 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 न्यूटन। 54 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम इथॉक्साइड एंड H2। 55 का ऑप्शन हो जाएगा, वेट अ मिनट, 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। 56 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 57 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 का ऑप्शन हो जाएगा CN-NO+, मीन्स बी। 59 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 5-8% एसिटिक एसिड इन वाटर, 5-8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन। 60 का आंसर हो जाएगा ए, Hex-1-3-in। 61 का ऑप्शन हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम कार्बाइड। 61 का हो चुका, अब देखेंगे, ओहो वेट अ मिनट, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 61 तक पहुँचे हैं ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब 62 का देखते हैं, विच हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, तो इसका हो जाएगा Na+, 60 मीन्स डी। 63 का आइसोप्रीन ए हो जाएगा। 64 का सी हो जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड। 65 का देखते हैं क्या होगा, तो 65 का ए होगा, एंथ्रासाइट। 66 का बी होगा Al, एल्यूमिनियम। 67 का बी होगा ड्राई स्लेक्ड लाइन। 68 का ऑप्शन ए होगा 1:1:2।
69 का ऑप्शन होगा डी, ए सी डी। ओके दोस्तों, 69 तक पहुंच गए। 70 का ऑप्शन होगा बी, एच सी एल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 71 का ऑप्शन होगा डी, सी ए ओ एच टू, है ना। अब 72 पर देखते हैं, 72 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव प्लस टू एन ओ एच, सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस सी टू एच फाइव ओ एच। ठीक है दोस्तों, 73 का ऑप्शन हो जाएगा डी, फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। 74 का ऑप्शन हो जाएगा एन एंड एस, एन एवं एस। ठीक है दोस्तों, 75 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी यू सी ओ थ्री सी यू ओ एच ट्वाइस। 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी, एफ ई एच टू ओ फाइव, एच टू ओ फाइव एन ओ होल टू प्लस। 77 का हो जाएगा सी, स्लाइटली ग्रेटर देन सेवन। 78 का ऑप्शन हो जाएगा, 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए जी टू एस। 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.55 मीटर। एंड 80 एंड द लास्ट फाइनल का ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके बताएंगे। मैंने प्रयास किया पूरा क्वेश्चंस को सही बनाने की। आप लोग को अगर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि ये ऑप्शन गलत है। मैं कोशिश करूँगा और उसमें रिसर्च करने की। ओके दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल में, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस चैनल में आप लोग को रेलवे से रिलेटेड और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी नॉलेज है ना, जैसे सीजी के अपडेट्स है ना, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं बिल्कुल देता हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।